नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना के लोगों को सितंबर तक मिलेंगे स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं, घर बैठे कर सकेंगे बुकिंग। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत में तेजी से सुधार, क्रिटिकल केयर यूनिट से हुए कमरे में शिफ्ट। बिहार में सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक नहीं हुई रिक्तियों की गणना, जाने कितना होगा विलम्ब। 7 अगस्त को पूरे बिहार में होगा महागठबंधन का प्रदर्शन, महंगाई बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम को लेकर किया जाएगा आंदोलन। राजधानी पटना में अभी हर ओर पार्किंग की समस्या है, कई बार तो लोगों को जगह नहीं मिलती है जिसके चलते वो कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें फाइन भी देना पड़ता है तो कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन जाती है। इन तमाम कमियों को दूर करने की कवायद निगम की ओर से शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। 37 जगहों पर लोगों को यह सुविधा मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी परियोजना में राजधानी पटना भी शामिल है। इसी क्रम में शहर को स्मार्ट और ट्रैफिक फ्री बनाने के उद्देश्य से पटना नगर निगम ने स्मार्ट पार्किंग के लिए एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया है। 3 महीने के अंदर सभी 37 पार्किंग स्थल को स्मार्ट बनाने का टारगेट एजेंसी को दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक सितंबर तक लोगों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके निर्माण से शहरवासी अपने वाहन को राजधानी के किसी भी हिस्से में पार्किंग आसानी से कर सकेंगे। जानकारों का कहना है कि अगले माह तक पहला स्मार्ट पार्किंग जोन तैयार हो जाएगा। इंटीग्रेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी 37 जगहों को एक ऐप से जोड़ा जाएगा। इससे पता चलेगा कि कौन सी जगह पर पार्किंग खाली है, वहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आप पार्किंग में मंथली वीकली प्लान भी बुक कर सकते हैं। अभी रेट तय नहीं हुआ है, इसके लिए कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। कहा गया है कि पुराने पार्किंग शुल्क के दर पर ही यह सभी सुविधाएं मिलेंगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी सेहत से जुड़ी ताजा अपडेट के अनुसार लालू प्रसाद अब CCU यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट से बाहर आ गए हैं। लालू यादव को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू यादव को ऑक्सीजन सपोर्ट या CCU में मौजूद मेडिकल सुविधाओं की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव की लगातार कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें वे कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं तो कभी अपने कमरे में वॉक करते दिख रहे हैं। लालू यादव अब हल्की डाइट भी लेने लगे हैं। फिलहाल उन्हें ऐसे डाइट लेने की सलाह दी गई है जो आसानी से पच सके। ज्यादातर उन्हें खिचड़ी ही दी जा रही है। इधर बिहार में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने से राजद का सदस्यता अभियान प्रभावित हुआ है। सदस्यता अभियान के करीब 7-8 दिन यूं ही गुजर गए। दरअसल राजद नेता की तबीयत खराब होने से राजद कार्यकर्ता और नेता सभी मायूस थे। अब राजद सुप्रीमो की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ है। ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सदस्यता अभियान को फिर गति दी है। सातवें चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए नियोजन इकाई वार रिक्तियों का आंकड़ा अभी तक जिलों से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं मिल सका है। जिलों को नियोजन इकाई वार रिक्तियों की जानकारी 30 जून तक देनी थी। ऐसे में जिला स्तर पर जिलाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस में विलम्ब होने की आशंका है। विभागीय जानकारों के मुताबिक रोस्टर क्लियरेंस में यह पूरा महीना लग सकता है, जबकि निदेशालय ने जिला पदाधिकारियों से रोस्टर क्लियरेंस करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की थी। इससे सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में विलंब संभव है। इसके अलावा नियोजन इकाई वार रिक्त पदों को NIC पोर्टल पर अपलोड करने में देरी हो सकती है। इसके लिए 25 जुलाई की तिथि तय की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद प्रदेश कार्यालय में आज महागठबंधन की बैठक हुई। सभी विपक्षी दल आज हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 7 अगस्त को पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। महागठबंधन के सभी साथी महंगाई बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस बात की जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुहर्रम को देखते हुए तिथि को बदला गया है। पहले प्रदर्शन का कार्यक्रम 9 अगस्त था, अब 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को पटना आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा के आगमन से लेकर चुनावी कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। महागठबंधन के बैठक में कांग्रेस विधायक शकील अहमद, माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा, पूर्व राज्य सचिव KD यादव, भाजपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, भाजपा के राज्य सचिव ललन चौधरी, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह,
राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता बैठक में शामिल हुए। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि नेताओं ने एक स्वर में यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन एवं वोट देने का फैसला लिया है। पटना एम्स में डॉक्टरों की किल्लत अगले माह तक दूर हो जाएगी। कम संसाधन और अधिक काम के बोझ के कारण पिछले दिनों कई डॉक्टरों ने पटना एम्स को छोड़ने का काम किया है। ऐसे में कई विभागों में डॉक्टर या तो है नहीं या तो रहे नहीं। अब ऐसे में इन विभागों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। नेफ्रोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन अगस्त तक सभी विभाग में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सभी विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति कर ली जाएगी। यह जानकारी पटना एम्स के नव पदस्थापित निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने दी है। डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने बताया कि पटना एम्स में आधे से अधिक डॉक्टरों के पद खाली हैं। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह तक सभी विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंतिम सप्ताह तक सभी विभागों के ओपीडी भी आरंभ हो जाएंगे। नियुक्तियों के बाद ओपीडी व ऑपरेशन में मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली से इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। चिराग पासवान के साथ उनकी मां रीना पासवान भी दिल्ली एम्स पहुंची है और उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले शनिवार को अपने घर राबड़ी आवास में गिर गए थे। सीढ़ी से गिर जाने के कारण लालू प्रसाद के कंधे की हड्डी टूट गई थी। उनकी कमर में भी गंभीर चोटें आई थी। हालात बिगड़ने पर लालू यादव को सोमवार की सुबह पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया। एम्स में लालू यादव की हालत में काफी सुधार हुआ है। लालू के सेहत में हो रहे सुधार से उनके चाहने वाले काफी खुश हैं। उनके प्रशंसक दिन रात यह दुआ करते हैं कि उनके नेता लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बिहार में कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 408 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना की बात करें तो अकेले पटना में 24 घंटे में 220 संक्रमितों की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,33,866 सैंपलों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। बिहार में अभी तक कुल 8,12,27,315 जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य कर सकती है। इसमें मास्क का प्रयोग जरूरी किया जा सकता है। बिहार पुलिस इस्तेमाल के लिए बड़ी संख्या में सामग्री खरीदने को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों से पुलिस के लिए जरूरी सामग्री खरीदना चाहिए। इन कंपनियों से सामग्रियां लेने से उनकी मरम्मत एवं रखरखाव में आसानी होगी, साथ ही खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का सुझाव भी दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में प्रोविजनिंग एवं आधुनिकीकरण प्रभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि सामग्रियों को वैसे आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाए जो भारतीय हो या जिनकी सहायक कंपनियां भारत में हो। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 197 भवनहीन थानों एवं ओपी को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब सह प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के साथ 6 पुलिस केंद्रों का भवन निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं एडीजी प्रोविजनिंग अजिताभ कुमार ने बताया कि पुलिस के लिए शस्त्र और गोला बारूद की खरीद के लिए डिमांड भेजी गई है। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए अलग से आकलन कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य में 500 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क के लिए भी सामग्री व उपकरण की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। नए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव का भी आकलन किया जा रहा है। पटना प्रदेश के तकरीबन सभी विश्वविद्यालयों ने अपने परीक्षा कैलेंडर को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय कर दी है। विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग को परीक्षा कैलेंडर सौंप दिया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों ने लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने का समय निर्धारित किया है। सभी विश्वविद्यालयों की निर्धारित तिथियाँ अलग अलग है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालयों को हालिया एक बैठक में हिदायत दी थी कि वह लंबित परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करे। विश्वविद्यालयों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की सभी परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर आयोजित कर दी जाएंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सत्र 2018-21, 19-22, 20-23 और 2021-24 की परीक्षाएं पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर अधिकतर विश्वविद्यालयों में किसी न किसी साल की परीक्षाएं लंबित है। बिहार के हाई स्कूल और प्लस टू में 32,000 शिक्षकों की बहाली जुलाई महीने के आखिरी में हो जाएगी।
संभवतः 30 जुलाई तक छठे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण इस महीने पूरा हो जाएगा। दरअसल स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि अगले महीने से इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि शिक्षकों की बहाली की मॉनिटरिंग की जा रही है। 30 जुलाई को शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे। इसे लेकर 9 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। दरअसल साल 2019 में ही छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसमें देरी हुई है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब शिक्षकों का इंतजार खत्म होगा। शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर बताया गया है कि 22 जुलाई तक फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद 25 जुलाई को नगर निगम नियोजन इकाई में काउंसिलिंग की जाएगी। 26 जुलाई को नगर निकाय और 27 को परिजन नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग की कार्यवाही पूरी होगी।